नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी चुनावी पार्टियां अपने अपने वोटरों को लुभाने में जुट गई हैं। आज से बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री बिना देरी के आज से ही वोट मांगने में जुट जाएंगे। वहीं बात करें अगर कांग्रेस की, तो उसके सामने अपनी साख बचाने के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हमारी इस खास रिपोर्ट में जानिए कि क्या कह रहा है बिहार का चुनावी समीकरण। न बल्ला दूर न मैदान दूर, जी हाँ, कुछ ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई है बिहार में। बिहार में अब चुनाव होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं। पार्टियों के पास अब वक्त नहीं बचा है। सभी पार्टियां इस जोर आजमाइश में लगी हुई हैं कि आखिर बिहार में अपनी नैया को कैसे पार लगाया जाए। और वैसे भी इस बार का बिहार का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। कुछ बड़े नेताओं ने अपने पुराने गठबंधनों से किनारा कर लिया है और छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। ऐसे में उन बड़े नेताओं की साख भी दांव पर लगी है। इन सब के बीच सुशासन बाबू यानी बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज से चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो आज से चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और सीएम नीतीश कुमार के विश्वास पात्र माने जाने वाले राज्य के मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार आज कुल राज्य की 35 विधानसभा क्षेत्रों को लोगों को संबोधित करेंगे। आगे संजय कुमार झा ने बताया कि चुनाव प्रचार अभी वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। 14 अक्टूबर से सभाओं को संबोधित करने के लिए अलग अलग हिस्सों के लिए उड़ाने भरना शुरू करेंगे। बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस के सामने अपनी साख को बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती होगी, जिसे लेकर पार्टी में माथापच्ची भी चल रही है। तेजस्वी यादव के अगुवाई वाले महागठबंधन में कांग्रेस के कोटे में सिर्फ 70 सीटें आई हैं। मालूम हो कि काफी दिनों से कांग्रेस राजद में सीटों को लेकर असमंजस बना हुआ था। राजद ने सीटों को लेकर कांग्रेस को एक खुला अल्टीमेटम भी दिया था। फिलहाल अब दोनों में सीटों को लेकर बंटवारा हो चुका है और अब सभी पार्टियां सीट नहीं बल्कि साख को बचाने के लिए काम कर रही हैं। कांग्रेस के पास भी मौका है अपने आप को बिहार में साबित करने का, और वो चाहेगी कि वो इससे अच्छे से बुना ले और सभी पार्टियों के सामने ये साबित कर दे कि वो कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं बल्कि राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। बिहार के चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन चल रहा है और तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो रही है। ऐसे में कांग्रेस की 49 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है, जिसके चलते पार्टी में कशमकश की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस में बंद कमरों में जिस तरह से उम्मीदवारों के नाम तय हो रहे हैं, उसे लेकर पार्टी की बिहार यूनिट में भी नाराजगी चल रही है। कांग्रेस का मानना है कि बिहार में नीतीश सरकार से लोग खफा हैं, जिसका फायदा वो सोचती है कि वो उठा सकती है। ऐसे में पार्टी अपने स्टार प्रचारकों को उतारने का मन बना चुकी है। राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी बिहार की सियासी रणभूमि में उतर कर पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम करेंगे। राहुल की बिहार में करीब 6 रैलियां कराने का प्लान है। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस राहुल और प्रियंका के नाम पर वोट बटोर सकते हैं या फिर कांग्रेस को बिहार से भी खाली हाथ वापस जाना होगा। पॉलिटिकल डेस्क, प्राइम टीवी।